सिल्वर जीतकर खुश नहीं है नीरज चोपड़ा। अरशद नदीम को दे दिया बड़ा चैलेंज और बोले खेल अभी बाकी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा से भारत को काफी उम्मीदें थी। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन पेरिस में जेवलिन थ्रो का फाइनल बेहद कड़ा रहा। नीरज के कॉम्पिटिटर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने तो 92.9 मीटर के जबरदस्त थ्रो के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उनके जवाब में नीरज 6 प्रयास में 89.4 मीटर का बेस्ट थ्रो कर पाए और सिल्वर मेडल अपने नाम किया और इतिहास रच दिया। इस तरह वो 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत के सिर्फ 4थे और एथलेटिक्स में ऐसा करने वाले सिर्फ 1ले एथलीट बन गए हैं। इसके बावजूद मुकाबले के बाद वो असंतुष्ट दिखे और अभी से अमेरिका में होने वाले अगले ओलंपिक के लिए बिगुल फूंक दिया है। आपको बता दें, आखिरकार नीरज ने सिल्वर मेडल जीतने के बाद क्या कुछ कहा। इस दौरान उन्होंने मेडल और तिरंगा हाथ में होने की खुशी जताई। हालांकि उनके चेहरे और बातों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो इससे असंतुष्ट हैं। नीरज ने माना कि फाइनल में काफी कड़ा मुकाबला था। उन्होंने मुकाबले के बाद कहा कि काफी समय से इंजरी और जरूरत के अनुसार नहीं खेल पा रहे हैं, अपनी गलतियों पर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। नीरज ने फाइनल को लेकर आगे कहा कि अरशद के रिकॉर्ड थ्रो के बावजूद उनके अंदर विश्वास था कि वो उन्हें पार कर देंगे। हालांकि वो कभी भी 90 मीटर नहीं फेंक सके थे, लेकिन इस बार काफी जुनून था, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहे। अंत में उन्होंने अरशद की तारीफ करते हुए कहा कि अगले ओलंपिक के बिगुल फूकी और कहा कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है और बहुत कुछ बाकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि उन्होंने अरशद नदीम को अभी से चैलेंज दे दिया है। नीरज भले ही गोल्ड नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। 26 साल के नीरज ओलंपिक में एथलेटिक्स के 2 मेडल जीतने वाले भारत के 1ले एथलीट बन गए हैं। एथलेटिक्स में 2 ओलंपिक और 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने वाले भी वो 1ले भारतीय हैं। इसके अलावा जेवलिन थ्रो में 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले 1ले एशियन एथलीट भी बन गए हैं। इतना ही नहीं, लगातार 2रे ओलंपिक में मेडल जीतने वाले वो सिर्फ 4थे भारतीय एथलीट हैं। नीरज के अलावा केवल सुशील कुमार 2008-2012, पीवी संधू 2016-2020 और मनु भाकर दोनों 2024 ऐसा कमाल कर सके हैं।